हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। अभी मैं निकला हूँ, शाम हो चुकी है, संडे का दिन है। मेरी सिस्टर आ रही है, आपको बताया था मैंने कि वो गाड़ी प्लान कर रही है, तो हम लोग गाड़ी में नेक्सा के और एक अरीना के शोरूम में जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, कौन सी एक्सेसरीज लगानी है, और दूसरी चीज़ है कंपेरिजन देखना है गाड़ी का। तो मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सी बेटर है। उसने सेलेक्ट की है ग्रैंड विटारा और ब्रेज़ा के बीच में एक हमने सेलेक्ट करनी है, तो देखते हैं कौन सी पसंद आती है, कौन सी बेटर है लुक वाइज, कौन सी बेटर है स्टेबिलिटी वाइज। तो डिसीजन लेते हैं, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहिएगा व्लॉग पे। बस हम आ गए नेक्सा के शोरूम में, तो अंदर चलते हैं, बात करते हैं, हम आगे एग्जीक्यूटिव से दिखाते हैं आपको फिर गाड़ी। फ्रेंड्स, ये ग्रैंड विटारा का इंटीरियर, वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, ग्रे कलर की ग्रैंड विटारा खड़ी हुई है और बहुत बढ़िया लग रही है देखने में लुक वाइज। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ग्रे कलर है, इसकी हेडलाइट्स है और ये इसके अलॉय व्हील्स, ये भी क्रोम, ये भी ब्लैक जो है, ये भी आपका आएगा नहीं, ये सिल्वर आएगा, इसको ब्लैक कर रखा है इन लोगों ने। आप मेरे को ये बताओ कि किस किस कंडीशन में वारंटी अवॉइड हो जाएगी अगर हम लोग सिग्मा वेरिएंट लेके उसमें कोई चेंजेस कराते हैं तो। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग काम अपने चलवाना है, जैसे वायरिंग काम बाहर से करवाने अपने, या अलॉय व्हील्स वगैरह लगवाने हैं गाड़ी में, तो वो आउटसाइड से लगवाते हैं। कैमरा आपको कलर दिखाते हैं सारे ग्रैंड विटारा के, सब खड़े हैं अभी ऑप्शन इनका। अच्छा, सिग्मा में व्हाइट कलर आता है और ये सिल्वर कलर एंड ग्रे और नेक्सा का ब्लू। ओके, सिल्वर कलर भी खड़ा, सारे कलर हैं यहाँ पे जो नेक्सा के हैं एक, लेकिन इसमें सिल्वर में ब्लू शेड है। अगर आप देखेंगे ना आके, आपको लगेगा अभी सिल्वर सी ग्रीन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ सी ग्रीन टाइप की वो आ रही है, फील आ रही है कलर के अंदर, तो हमें तो व्हाइट ही पसंद आया है। एक चीज हो रहा है कि जैसे नीचे जो ग्रैंड विटारा खड़ी है टॉप मॉडल, उसमें आपने ये जो ये चीज है, हैं उसमें मैट वाले, हाँ, तो वो हो जाती है सिग्मा में भी, हो जाएगी सिग्मा भी हो जाएगी ना, वो तो हाइब्रिड के अंदर ओनली आपको उसमें डार्क में आता है, डार्क में है, तो अगर कराना चाहो अब कंपनी के एक्सेसरी में कराना चाहो तो, क्योंकि तो एक्सेसरी टाइप ही है ना ये लगी हुई, कंपनी फिटेड ही है, मतलब पूरा बम्पर के साथ ही है ना ये जो आ रहा है इस टाइम, ये कंपनी के साथ में फिटेड होके आ रहा है और ये भी फिटेड आ रहा है। आपने अगर इसके अंदर जैसे फोग लैम्प के पास क्रोम के साथ गार्निश कराते हैं, देन आप उसके अंदर ऑप्शन है आपके सिल्वर क्रोम के लिए। ये एक्सेसरी तो नहीं है ना, ये इसका बिल्ड इन है, बिल्ड है, ये पैनो फिनिश नहीं है ना, मैट फिनिश में है वो, नीचे जो है पैनो फिनिश में लगा हुआ है टॉप मॉडल में, तो वो करवा सकते हैं हम लोग इसके अंदर भी, फोग लैम्प के पास करा सकते हैं और लोअर गार्निश में कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम लोग हेडरूम चेक कर रहे हैं, ये करण भी लंबा है तो करण पीछे बैठे, ऐसा ना हो क्या सर लगे उसका। ऐसा मॉडल भी है जो मिड का हो और जिसमें ये सारे जो अंदर के इंटीरियर्स हैं जो टॉप मॉडल में, ये सारे भी हम लोगों को मिल जाए, जो सीट वगैरह है ये सब चीजों का, ये ओनली टॉप मॉडल में आपको मिलेगा अल्फा के अंदर ही। अल्फा के जाते हैं, फिर जीटा आता है, जीटा के अंदर फिर आपको जैसे की और जो डोर पे सारा लेदर का काम है, सिर्फ अल्फा मॉडल में मिलेगा और किसी मॉडल में नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अब रजौरी का नेक्सा आ गया है, क्योंकि वो लोग कुछ एक्सेसरीज की बातें कर रहे हैं ऐसे कि यहीं से लगवा लो तभी गाड़ी ले सकते हो, अवॉइड हो जाएगी, तो पता करते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ब्रेज़ा हम देखने नहीं गए क्योंकि मेरा विचार है कि ब्रेज़ा डब्बा है, डब्बा लेने से अच्छा है ग्रैंड विटारा लिया जाए। नहीं, ये मॉडल कौन सा है, डेल्टा, मतलब उससे ऊपर है, सिग्मा से ऊपर डेल्टा, डेल्टा में इसकी थोड़ी इज्जत रख ली है, वो तो बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा सीट बेल्ट का, सिग्मा में तो आता है सब, बच्चों की बच्चों के खिलौनों का जो फैब्रिक होता है वो ये एक्सेसरीज लगा है सर, इसमें एक्सेसरीज लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर से लगवाया है, ये लगा हुआ है, हां अच्छा, ये आप लोग लगवा देते हैं, हां ये लगती है, तो ये लग जाए तब भी ठीक है, पेंट ना भी कराओ, और पेंट करवा लें इस पे तो करवा सकते हैं सर, अरे पेंट करके ज्यादा अच्छी लगेगी ये, तो फिर वो लग रहा है। तो हम लोग ब्रेज़ा भी देख रहे, तो आपका ब्रेज़ा के बारे में क्या वो है बजट के, ब्रेज़ा लेनी चाहिए ग्रैंड विटारा, ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा में बहुत डिफरेंस है, इंजन का तो डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, बॉडी का ही है, स्पेसिफिकेशन फीचर्स में बहुत डिफरेंस है, फीचर्स और बॉडी का, बॉडी का डिफरेंसेस तो सर लगभग मारुति की है, दोनों सेम ही है, नहीं बॉडी का मतलब शेप का और शेप में ज्यादा बैलेंस गाड़ी कौन सी है, ब्रेज़ा है या विटारा है, और अब आ गए हम लोग यहाँ पे अपने फेवरेट पॉइंट में, चिकन खाने के लिए आरती को खिलाने के लिए गए, हम लोग तो खाते हैं यहाँ पे आके, बहुत टेस्टी है, तो बैठे हैं यहाँ पर, गाड़ी डिसाइड कर ली है, एक्सेसरी डिसाइड कर ली है, जल्दी बताते हैं आपको, बुकिंग कब करते हैं और डिलीवरी भी आपको दिखाएंगे पूरा।
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।